हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सोलर सिस्टम का सेकंड पार्ट बताने जा रही हूँ, जो जूनियर क्लासेस के लिए भी है। आज हम सन के बारे में जानेंगे डिटेल में। सन इज ए स्टार लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन है क्या? सन एक्चुअली एक तारा है जो सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित है, और इसके चारों ओर अर्थ और बाकी प्लैनेट तथा और भी जो बॉडीज चक्कर लगाते हैं वो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगाते हैं, और वो अपने जगह में बने रहते हैं इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये सन जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक बहुत बड़ा गोला है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 1 मिलियन अर्थ जो है वो इसमें फिट कर सकते हैं। तारे तो और बहुत भी बड़े बड़े हैं, सन से बहुत बड़े बड़े, पर हमें सन बड़ा दिखाई देता है अर्थ से, क्योंकि ये क्लोजेस्ट स्टार है हमारे अर्थ से, इसलिए हम इसको इतना बड़ा देख पाते हैं। और तारे तो हमें टिमटिमाते और ट्विंकलिंग करते हैं, बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर हैं। अब हम जानेंगे कि इसका डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर से 100 टाइम्स ज़्यादा है। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा मून के बारे में जानें। मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी यह एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। इसका आकार गोल है, इसका अपना कोई लाइट नहीं होता है, ये सन के लाइट के कारण ही दिखता है। यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई वाटर नहीं है, इसलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसकी ग्रेविटी जो है वो अर्थ से 1/6 है, और मून का सरफेस जो है वो कवर्ड है डस्ट और रॉक से। यहाँ मून पर बहुत सारे क्रेटर्स, वैलीज और माउंटेन्स एंड प्लेन्स भी हैं। इसका जो हमें दिन प्रतिदिन अलग अलग शेप दिखाई पड़ता है, इसको हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। यह अर्थ के चारों ओर घूमता है, और सन का लाइट इस पर अलग अलग तरह से पड़ता है, इसलिए इसका आकार जो है हर दिन बदलता हुआ दिखता है, और इसी को हम लोग फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। पहली बार यहाँ पर जाने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जो जुलाई 1969 में गए थे। अब हम अर्थ के बारे में बात करेंगे। अर्थ को बीचों बीच एक इमेजनरी लाइन, अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। अर्थ में दो तरह का मोशन होता है, दो तरह का मोशन होता है, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। रोटेशन को हिंदी में घूर्णन कहते हैं, जैसे आपने लट्टू को देखा होगा, ये अपने एक्सिस पर खुद ब खुद जो है वो घूमती है, तो इसे रोटेशन कहते हैं। और दूसरा है रिवॉल्यूशन। अर्थ अपने एक्सिस पर तो घूमती है, अपने एक्सिस पर नाचते हुए वो सन के चारों ओर भी घूमती है, और इस तरह के मोशन को हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं, और हिंदी में परिक्रमण कहते हैं। अब जो डे और नाइट होते हैं वो अर्थ के इसी रोटेशन के कारण होते हैं, जिसको हम एक्सपेरिमेंट से समझ भी सकते हैं, इसको आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। देखिए, हमारा अर्थ जानते हैं कि ये राउंड है। मान सपोज करिए ये अर्थ है, और ये जो लाइट का सोर्स है वो सन है। तो अभी सन का लाइट अर्थ के जिस हिस्से पर पड़ रहा है वहाँ दिन होगी, और दूसरा हिस्सा जिस पर लाइट सन का नहीं पहुंच पा रहा वहाँ रात होगी। ऐसे ही दिन और रात होते हैं, तो ये किसके कारण होते हैं? ये अर्थ के
रोटेशन के कारण होते हैं। अब जो रिवोल्यूशन होता है तो अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। अब यहाँ देखेंगे कि अर्थ का जो है, जब नॉर्थ पोल सन की ओर टिल्टेड रहेगा, झुका हुआ रहेगा, तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो वो उस जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो देश आएंगे, जो कंट्री आएंगे, वहाँ पर समर सीजन होगा। इसी तरह घूमते 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 जब अर्थ का साउथ पोल सन की ओर झुका रहेगा, तब साउदर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज रहेंगे वहाँ पर समर होगा और दूसरे ओर विंटर होगा। ऐसे ही सीजन चेंज होते हैं। अब अर्थ के बारे में थोड़ा और जान ले तो हम जाने कि उसके मोशंस के बारे में और मोशंस का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में, कि अर्थ ओनली प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। और इसको हमने पहले वीडियो में बताया कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है कि यहाँ एटमोसफियर है, सभी जो एसेंशियल गैसेस हैं वो प्रॉपर अमाउंट में है, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो हमारा यहाँ पर बहुत प्रॉपर अमाउंट में मौजूद है, और उसके बाद ओजोन लेयर है जो छाते की तरह हमारी रक्षा करता है, किससे? अल्ट्रा वायलेट रेस से, पराबैंगनी किरणों से। और यहाँ पर वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में, जिसको हम पीते हैं। तो ये सब था, और अगले हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बारे में बात करेंगे। थैंक्स, दैट्स ऑल, टिल देन गुड बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। आप सोलर सिस्टम के सारे पार्ट को ज़रूर वॉच करें। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट को वॉच करें, देन सेकंड पार्ट को वॉच करें, और अगला जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तब आप उसे भी वॉच करेंगे, तभी, क्योंकि सारे चीज़ सीक्वेंस में हैं, तभी अच्छे से समझ पाएंगे।